हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है कॉलर आउट ऑफ स्पेस। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एलिविनिया नाम के एक लड़की को जो जंगल के किनारे कुछ नदी के पास काला जादू कर रही होती है। उसका घोड़ा उसके पास खड़ा होता है और वह ब्लैक मैजिक करके अपनी शक्तियों को जगा रही होती है ताकि उसके पास असीम शक्ति आ जाए। तभी लिविनिया का दोस्त वार्ड पीछे से आता है और वह लिविनिया से कहता है कि अब तुम्हें अपने घर चलना चाहिए। तभी लिविनिया उससे कहती है कि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वह अपने घोड़े पर बैठती है और वार्ड से कहती है मैं घर जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि लिविनिया अपने घर पहुंच चुकी है। वह चारों तरफ घर को बहुत ही बुरी नज़र से देख रही होती है। दरअसल उसका मानना ऐसा होता है कि वह किसी भी जानवर को अपने काबू में कर सकती है लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाती। फिर हम देखते हैं वह जादू करने के लिए अपने घर के कुएं के पास जाती है। फिर हम देखते हैं लिविनिया के डैड नेथन को जो अपने घर पर होते हैं और अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। नेथन का काम होता है अपनी बीवी टेरेसा की बात मानना। टेरेसा लिविनिया की मॉम होती है और वह जैसा घर में कहती है वैसा ही घर के अंदर होता है, उसके बाद कोई भी नहीं टालता। फिर हम देखते हैं कि नेथन कहता है कि हमें बहुत ही जल्द ही पिकनिक मनाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे आसपास के शहर में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर हम लोग घूमने ना गए हों। हम देखते हैं कि उसके बाद सब सहमत होते हैं और रात हो जाती है। रात में सब सो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जैक को। जैक कंप्यूटर पर कुछ गेम्स खेल रहा होता है और बाकी लोग सो रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं जैक को। जैक अपने कंप्यूटर में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वह क्या कर रहा है उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता। वह अपने डैग को सहला रहा होता है। तभी एंथनी जब बाहर उठकर देखता है तो उसके घर में पिंक लाइट आ रही होती है। यह पिंक लाइट इतना ज़्यादा तेज होती है कि सभी लोग फौरन अपने घर से बाहर निकलकर देखने चले जाते हैं। वह देखते हैं कि यह एक टूटा हुआ तारा है जो कि नष्ट हो जाना चाहिए लेकिन वह ऐसा नहीं होता। फिर हम देखते हैं जहाँ पर रात में टूटा हुआ तारा गिरा था वह बहुत ही बड़े गड्ढे में एक जगह बदल गई है, यानी कि सभी को ऐसा लग रहा था कि वह तारा अब धरती के अंदर समा चुका है इसलिए कोई उस पर ध्यान नहीं देता और सभी लोग अपने घर चले आते हैं। फिर हम देखते हैं वार्ड को। वार्ड दरअसल यहाँ पर बहुत दिनों से तहकीकात कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें काफ़ी दिनों से बदली बदली लग रही थी। फिर वार्ड एजरा के पास जाता है। वह पानी का कुछ सैंपल ले लेता है और एजरा से उसकी जांच कराने के लिए जाता है। एजरा एक साइंटिस्ट होता है। हम देखते हैं कि वह उस पानी का टेस्ट करने के लिए कुछ समय मांगता है और फिर वार्ड वहां से निकल जाता है। वार्ड जंगल में एक कैंप लगाकर रात में वहां पर रह रहा होता है कि तभी वह देखता है कि जंगल में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। फिर सुबह हो जाती है। सुबह हम देखते हैं एथन को, वह अपने टीवी में न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें कि एथन और उसकी बीवी कुछ बातें कर रही होती हैं। फिर हम देखते हैं टेरेसा को। टेरेसा अपने किचन में काम कर रही होती है और अपने हाथों से अपनी उंगलियों को काट देती है लेकिन कमाल की बात होती है कि टेरेसा की उंगलियां बिल्कुल भी दुख नहीं रही थी। तभी एथन फौरन टेरेसा को लेकर हॉस्पिटल की ओर निकलता है। फिर हम देखते हैं कि एथन के धीमे धीमे सभी जानवर काफी अजीब बिहेव करने लगे थे। तभी एंथनी बाहर गार्डन में बैठकर कुछ ड्राइंग कर रहा होता है कि कुएं के अंदर से एक अजीब जीव निकलता है और वह एंथनी से बातें कर रहा होता है। यह एक एलियन जीव होता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। लिविनिया यह देखकर काफ़ी घबरा जाती है कि उसका बेटा किससे बात कर रहा होता है। बाहर वार्ड आता है और वह देखता है कि अभी तक एंथनी वहाँ पर खड़ा होकर उसी कुएं से बात कर रहा है। वह एजरा के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उस पानी में है क्या। वह उसे बताता है इस पानी के ऊपर एक ऑयल की परत जमी हुई है, यह पानी पीने लायक नहीं है। वार्ड यह बात सुनकर वापस अपने घर आता है और अपने लोग पड़ोसी सभी को बताता है कि यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। वह लिविनिया को यह बात बताता है। लिविनिया कहती है कि मुझे अपने घर का पानी बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए तुम्हें कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं कि एथन फिर से अपनी बीवी को लेकर सही सलामत अपने घर को लौट आया था। फिर हम देखते हैं नेथन और उसके परिवार को जो अजीब से बहके बहके बातें कर रहे होते हैं। नेथन यह काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था कि सभी का रंग काफ़ी अजीब से बदल रहा है। फिर वह अपने गार्डन में जाता है तो फलों और सब्जियों का रंग भी बदला होता है। कुछ दिन बाद पेड़ का रंग बदला होता है। फिर ऐसे ऐसे करके धीमे धीमे सब कुछ बदल रहा था। बट नेथन को लगता है कि यह सब उसकी दिमागी बीमारी है इसलिए वह इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। फिर हम देखते हैं लिविनिया को जो एक रात काला जादू फिर से करने की कोशिश करती है और वह इस बार अपने शरीर को अलग अलग जगह से काट कर अपने पूरे परिवार को सुरक्षा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी।
तभी बहुत रात होने के बाद एंथनी उठकर बाहर निकल जाता है और पिंक रोज ने निकल कर एंथनी के ऊपर अटैक करने वाली होती है कि तभी वहाँ पर ट्रेशा आती है वह बेटे को गले से चिपका लेती है। वह पिंक लाइट दोनों के ऊपर अटैक करती है जिससे कि वो दोनों म्यूटेंट हो जाते हैं यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं उस पिंक लाइट की वजह से। बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं और दोनों को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उनके शरीर में अचानक से कुछ अजीब बदलाव हो गए थे। यह देखकर नेथन को समझ में आ गया था कि यह लाइट काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, इसलिए वह अपने परिवार को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता है पर डॉक्टर साफ इनकार कर देते हैं कि ऐसा भी कोई केस भला हो सकता है। वो अपने अभिभावक को लेकर वापस से लौट आता है। फिर हम देखते हैं नेथन को, नेथन अपनी गन लेता है और अपने घर के सारे जानवर को जाकर मार देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह पिंक लाइट उन सभी के ऊपर हावी हो गई थी और वह सब काफ़ी बड़े और काफ़ी डरावने से दिखने लगे थे। फिर हम देखते हैं कुएं के अंदर पिंक लाइट अभी भी उभर रही है और वह इस बार किसी और से नहीं बल्कि लिविनिया से बात करती है। इधर टीवी के अंदर भी पिंक लाइट घुस चुकी थी और टीवी भी बंद हो गई थी। फिर हम देखते हैं एंथनी और उसकी मॉम ट्रेसा को जो दोनों काफ़ी आदमखोर हो गए थे यानी कि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में बदल चुके थे। फिर न जाने नेथन को क्या सोचती है वह अपने बेटी को ले जाकर ट्रेसा के रूम में बंद कर देता है। ट्रेसा उसे जान से मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर वार्ड अपने दोस्त के साथ आता है और ट्रेसा को मारकर लिविनिया की जान बचा लेता है। लिविनिया बहुत खुश होती है लेकिन वार्ड से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि कोई भी पिंक लैंड मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी, वह हमारे परिवार को अपने गिरफ्त में ले चुकी है, तुम चाहकर भी हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। फिर हम देखते हैं म्यूजिक के पास जाकर वार्ड वहाँ से बात कर रहा होता है कि तभी पिंक लैंड सभी के ऊपर हावी हो जाती है। लिविनिया जब पूरी तरीके से पिंक लैंड में बदल जाती है तब वार्ड वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तभी वह जाकर एक छोटे से टनल में घुस जाता है ताकि उसे कुछ हो नहीं। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक विस्फोट होता है जिसमें कि सब कुछ तबाह हो जाता है सिवाय वार्ड के। सुबह होते ही हम देखते हैं वार्ड और उसके साथ बहुत ज़्यादा धूल बची होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। लास्ट में वार्ड अकेले कुछ बड़बड़ा रहा होता है और कहता है पिंक लाइट से दूर रहो, वह स्टेज में को आकर सब पर अटैक कर रही है। तो दोस्तों यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों यह मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।